Mansi! Mummy? Aap aa gayi? नानी ऐसे स्लो मोशन में क्यों भाग रही हैं? बेटा ये स्लो मोशन नहीं है, ये शो इमोशन है। आंटी जी भी अपने इमोशंस ऐसे ही फिल्मी अंदाज में जाहिर करती हैं, मेरी तरह। कैसी है आप? वो क्या है ना बंटी, तुम्हारी नानी को ना टीवी सीरियल्स देखना बहुत अच्छा लगता है, तो जो भी करती है ना सीरियल के कैरेक्टर की तरह करती है ना। अच्छा मामा, वो आपको स्टेशन पे लेने गए थे, आपको मिले नहीं? हाँ मिले ना सन इन लॉ, बाहर है, सामान ला रहे हैं। भाभी इनका सफर तो खत्म हो गया लेकिन भैया तो अभी भी सफर कर रहे हैं। जब देख रहा है कि मैं सफर कर रहा हूँ फिर भी खड़ा है डफर, अरे सामान उतारने में हम सफर बन मेरा। सॉरी मम्मी, आप दो दिन के लिए आई है ना, इतना सारा सामान क्या है इसमें? सन इन लॉ जी, जरा खोल के दिखाइए ना। मम्मी ये सब क्या है? गन्ने, लौकी, बैंगन, भिंडी और ये कटहल, इन सब की क्या जरूरत है? ये तो सब यहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन बेटा ये अपने खेत का है, हमारी अपनी मिट्टी का। इनके स्वाद में और यहाँ के सब्जियों के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है ना? समधन जी कहाँ है? वो तो नहा रही है। क्यों? मैं इनके लिए शॉल लाई हूँ, अपने हाथों से बनाई है। और ये तीन स्वेटर आपके लिए बेटा, आपके लिए और आपके लिए, ये मैंने अपने हाथों से बुने हैं। थैंक यू आंटी। थैंक यू मॉम इन लॉ, मेरा फेवरेट कलर है ये। कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मॉम इन लॉ इसमें क्या है, आप तबला सीख रही हैं क्या? अरे ये उठो 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 उठो, ये तो मैं भूल ही गई, इसे खोलो सन इन लॉ। कद्दू, इतना बड़ा कद्दू, ये भी आप हमें अपने हाथों से बना के खिलाएंगी? नहीं, ये तो मानसी खुद पका लेगी अपने ससुर जी की याद में, उन्हें कद्दू बहुत पसंद था ना मानसी, और आज उनकी याद में ये कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। इतना बड़ा कद्दू? मम्मी इतना बड़ा कद्दू क्यों ले आई? उसे काटूं कैसे? बेटा जी, अरे बेटा ये क्या, क्या हो गया? अरे तू बुद्धू की तरह खड़ी खड़ी कद्दू क्या देख रही है? मम्मा आपको क्या जरूरत थी इतना बड़ा कद्दू लाने की, इसे काटना आसान थोड़ी है। यही तो बात है, हम दुनिया का सबसे आसान काम सबसे मुश्किल कर देते हैं। मतलब? मतलब ये कि सबसे आसान काम है किसी पे अपना प्यार जाहिर करना और हम खुद उसे सबसे मुश्किल काम बना देते हैं। अब अगर तू ये सब्जी कद्दू की सब्जी ना समझे लेकिन तू ये समझे कि तू अपने बाबूजी पे अपना प्यार जता रही है तो देखना ये कितने आसानी से बन जाएगा। हाँ मम्मा, वैसे बात तो सही है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, आप ये सोचिए कि ये सब हम खुद ना करें लेकिन जादू से करवाएं, तो इसमें प्यार थोड़ी कम होगा, है ना? मतलब? मतलब ये कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास जादू की छड़ी है
और उसी छड़ी से आपने इनके लिए, अजय के लिए, बंटी के लिए स्वेटर लाए, माँ जी के लिए शॉल लाई और बाऊजी के लिए कद्दू ले आई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, है ना? अगर ऐसी छड़ी मेरे हाथ में आती तो मैं तुरंत जला देती ताकि किसी के हाथ ना लगे। अरे बेटा, इंसान को दुनिया में जादू की जरूरत ही नहीं है। कुदरत ने तो इंसान को पैदाइशी सबसे बड़ा जादू अपने हाथों में दिया है, और वो है प्यार, प्यार, प्यार। हाँ वो तो है, प्यार तो है, लेकिन अगर लाइफ में थोड़ा सा मैजिक आ जाए तो सोचिए लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, है ना? बेटा याद है बचपन में तू आम के पेड़ पे चढ़ा करती थी आम तोड़ने, और कभी कभी तू गिर भी जाती थी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तुझे चोट भी आती थी, लेकिन जब तू बैठ के आराम से वो आम खाती थी तो वो कितने मीठे लगते थे और सारे दुख दर्द तेरे दूर हो जाते थे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें तेरी मेहनत थी। अब अगर तुझे जादू से ढेर सारे आम मिल जाएं और तू उसे खाए तो देख, एक दो टुकड़े खाने के बाद भी तू उसे फेंक देगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए अब तेरे दिल में कोई अहमियत नहीं। अब ये कैसा जादू जो हर चीज की अहमियत खत्म कर दे। हाँ लेकिन बस लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब चल ये कद्दू की सब्जी बनाते हैं, ठीक है? हाँ चलिए। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है, जिंदगी ही एक जादू है, विश्वास करो तो मौज करो वरना कुछ और करो। हाँ बाबूजी ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि लाइफ का मजा जादू से है कि मेहनत से है? अरे बहू तू कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन वाला सवाल कर रही है मुझसे। फिर भी मैं बोलता हूँ, देखो जब मैं जिंदा था तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मैंने जादू सीखा, और फिर मैंने और मेहनत की और मेहनत की, और एक जादुई अंगूठी बनाई जो मैंने तुझे दी और तूने उसके मजे लूटे। अब तो उसी बिना लाइफ वाले आदमी को ये सवाल कर रही है कि जिंदगी का मजा जादू में है या मेहनत में, समझी? कुछ नहीं समझी। आग लगी भागो, आग लगी भागो। अजय आग लगी, आग कहाँ लगी, आग कहाँ लगी, आग कहाँ लगी? अरे आग कहीं नहीं लगी है, ये तो मेरी नई फिल्म का नाम है, आग लगी भागो। ये देखिए 51,000 का चेक। अच्छा तेरे को चेक मिल गया, किसने दिया? नहीं मेरे लिए मत लाना, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। भाभी भाभी इतनी मेहनत के बाद आज आपका देवर डायरेक्टर बनने जा रहा है भाभी, जिस सपने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो मेहनत रंग ला रही है भाभी, आज मेरा सपना सच हो रहा है भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। अजय एक बात पूछो। हाँ? अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी होती तो ये सपना तुम्हारा कब का पूरा हो गया होता, है ना? बोलो। हाँ भाभी पूरा तो हो गया होता, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता। क्या है ना भाभी, जादू से मैं हिट डायरेक्टर तो बन जाता, लेकिन वो जो मजा आज दिल पे डायरेक्ट हिट हुआ है ना, वो मजा नहीं आता। भाभी सफर के बाद जब आपको मंजिल मिलती है ना, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जादू से आप बड़े से बड़ा टारगेट तो पा सकते हो, लेकिन आपका अचीवमेंट छोटा हो जाता है भाभी। अरे वाह, डायरेक्टर बनते ही क्या डायलॉग मारा मैंने। भाभी मैं ये डायलॉग नोट करके आता हूँ। मानसी जल्दी नीचे आओ, मानसी। चौहान साहब क्या हो गया? सुनिए कौन है वह?
जाएगी। इन फिजाओं ने, इन हवाओं ने और मेरे मोहब्बत के गवाहों ने, मानसी अब आए आए। सुनिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके दिल की बात समझती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। I love you, मानसी। आपने आपने कुछ कहा? I love you. आपने बोल दिया। I love you too. भैया आपने बोल दिया। Congratulations, son in law. दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। आज पहली बार तूने सही डिसीजन लिया है सियापति रामचंद्र की जय। मानसी, मैं इन पलों को तुम्हारे लिए यादगार पल बनाना चाहता था, ताकि तुम्हें ये पल हमेशा जादू की तरह याद रहे। लेकिन ये हकीकत किसी भी जादू से ज्यादा खूबसूरत है चौहान साहब, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते हैं। वैसे तो मैंने गाने का मूड बना लिया था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं खुद अपनी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम मेरी आवाज़ कैसे बर्दाश्त करोगी मां। इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। तभी तभी मैं सोचूं कि अपना चंपू इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। मानसी भाभी, इसने आपको उल्लू बनाया इसने। राज, माइंड योर लैंग्वेज। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो। मेरा प्रमोशन हो गया और मैं सीनियर मैनेजर हूं। जितना फासला तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है, उतना ही फासला तुम में और मुझ में होना चाहिए। गेट दिस स्ट्रेट। अब आप चुप रहिए भाभी जी। कीप योर बोन बॉक्स शट। हाउ डेयर ही? मेरा डायलॉग आपने छीन लिया और तुम क्या मुंह देख रहे हो? ये मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। अरे विजय भाई साहब भी बदल गए, तुम क्या वैसे के वैसे हो? कुछ सीखो। शट अप। मैं थक गया हूं, पक गया हूं तुम्हारी ये पक सुन के। और अब आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं बदल गया हूं और इसका क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड गुरुजी। ऑल द बेस्ट। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। टेक अ होम। चल। देखा बेटी, ये सब एक जादू की छड़ी घुमाकर नहीं होता, क्योंकि प्यार की कीमत प्यार से ही चुकानी होती है, किसी जादू से नहीं। सियापति रामचंद्र की सच। मां, आज आप सबने मुझे ढेरों खुशियां दी और साथ ही साथ एक सबक भी सिखाया। कैसा सबक बेटा? जिंदगी का सबक बाऊजी। ये सबक कि जिंदगी किसी भी जादू से बड़ी और ज्यादा खूबसूरत होती है। जहां तकलीफें भी हैं तो आराम भी है, दर्द है तो दवा भी है, और अगर आंसू है तो मुस्कुराहटें भी है। मगर तू ये सब मुझे क्यों बोल रही है बेटा? क्योंकि बाऊजी, आज मुझे कुछ एहसास हुआ है। आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हमें दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान क्यों दिए? शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी के दो पहलू होते हैं, सुख
और दुख। और बाबूजी, दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है बाबूजी। लेकिन इस जादू के चलते मैं जिंदगी को सिर्फ एक ही आंख से देख पा रही थी, शायद दूसरी आंख खोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बाबूजी मैं तकलीफों से डरती थी। अब नहीं बाबूजी, इसलिए अंगूठी मैं आपको वापस लौटाना चाहती हूँ। बहू, तू हमेशा ही समझदारी की बातें करती है, पर आज तूने कुछ ज्यादा ही गहरी बात कर दी, इसलिए मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात तुझे बता दूं कि एक बार तूने ये रिंग मुझे दे दी तो फिर मैं तुझे वापस लौटा नहीं पाऊंगा, इसलिए सोच ले कि कहीं ये रिंग मुझे देकर तू कोई गलती तो नहीं कर रही। बाबूजी, गलती करने के लिए तो आपको इसे लौटा रही हूँ, ताकि मैं और गलतियां करूं और उनसे सीखूं। क्योंकि बाबूजी, अगर जिंदगी इसी जादू के सहारे चलती रही ना, तो वो जादू जिससे भगवान जी ने सारी दुनिया को बनाया है, उसका मजा कैसे ले पाऊंगी, आप सोचिए। सॉरी, अब तू और शैतानी तो कर ही नहीं पाएगी। बाबूजी, ये लीजिए आपकी अमानत, अब मुझे इस रिंग की जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तू कहती है तो मैं रिंग बुलाता हूँ अपने पास। हाँ, प्रगट आपका रिंग इधर आ जाए। बहू, मैं जानती हूँ बाबूजी, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं ना, मैं चलती हूँ। जा बेटा जा, जिंदगी का मतलब तो अपनों से नाता है और असली मजा तो सबके साथ आता है। जी बाबूजी, प्रणाम। जीती रहा बेटा जी। अब पता नहीं ये जादू इंसानों के लिए वरदान है या अभिशाप, इसका फैसला उसी पे छोड़ देते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है। और मेरी बहू मानसी को एक नई राह दिखाई है। आबरा-गडाबरा। अरे वाह, एकदम सही जगह पे पहुंच गई, प्रभु के चरणों में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी एक जादू है, विश्वास करो तो मौज करो, वरना कुछ और करो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।